हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। होप यू ऑल वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी महाराष्ट्र के एक और फेमस रेसिपी श्रीखंड, पर आज थोड़ा इसे मैं स्पेशल बनाऊंगी, तो इसीलिए आज मैं बनाऊंगी राजभोग श्रीखंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गणेश उत्सव 11 दिन तक चलते हैं, कुछ कुछ लोग इसे 3 डेज या 5 डेज भी रखते हैं। तो इसमें पप्पा के लिए एक दिन प्रसाद के तौर पर राजभोग श्रीखंड भी आप बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए नए रेसिपी के अपडेट के लिए। तो राजभोग श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हंक कर्ड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला रख लिया है, उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर को रख दिया। उसके ऊपर मैंने एक सॉफ्ट कॉटन का टॉवल रख लिया है। आप कोई भी मलमल का कपड़ा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 150 ग्राम दही ले लिया है, उसे मैं इस टॉवल के ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि दही से हमें पूरा पानी को ड्रेन आउट कर लेना है। जैसे घर पे छेना बनाने के टाइम पे हम छेना में से पानी को ड्रेन आउट कर लेते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे इसके पानी झड़ा लूंगी। तो देखिए, मैंने टॉवल को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्के हाथों में प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे हल्के हाथों प्रेस करने से इसमें से पानी निकल रहा है। तो ऐसे ही मैं इसके थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल लूँगी। बाकी एक्स्ट्रा जो पानी है वो झड़ने के लिए मैं इसे 1 घंटे के लिए स्ट्रेनर के ऊपर ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब 1 घंटे बाद आप देखिए, इसका पानी पूरा झड़ चुका है और ये कितना कम हो गया है। तो अब देखिए, ये इतना सारा पानी इसी दही में से निकला है। तब मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैं दही को टॉवल से निकाल लूँगी। तो देखिए, दही से पानी झड़ने के बाद ये हमारा हंक कर्ड यानी कि ठीक दही एकदम रेडी हो गया है। अब मैं एक स्पून से इसे थोड़ी देर के लिए फेंट लूँगी, जब तक कि ये थोड़ा सा क्रीमी बेस में ना आ जाए। तो अब देख सकते हैं, दही में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब इसे मैं करीब 1 से 2 मिनट तक फेंटूंगी, तो उसी से ये क्रीमी बेस पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाउडर शुगर। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून करीब पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप का होता है, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ। श्रीखंड बनाते समय पाउडर शुगर का ही यूज़ करें। सादा शुगर को मिक्स करने के बाद शुगर से मॉइस्चर रिलीज होता है, उससे फिर से दही से पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर के साथ भी दही को अच्छे से फेंट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सैफरन मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 1 पिंच सैफरन को हल्का गर्म दूध में भिगो के रख दिया है। तो इसे मैं अब धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सैफरन मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसको मैं एक बार फेंट लूँगी। सैफरन मिल्क इसमें ऐड करने से इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर फेंटने के बाद मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून सैफरन मिल्क और ऐड कर रही हूँ। और उसी के साथ अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ काजू, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चॉप्ड आमंड। आप आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये कितना क्रीमी और फ्लफी भी हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे एक बार और मैं मिक्स कर दूंगी, तो बस बन जाएगा हमारा राजभोग श्रीखंड। तो यहाँ पे रेडी हो गया आज का हमारा राजभोग श्रीखंड। तो अभी मैं इसे सर्व करती हूँ। आप आपके घर में कोई भी पूजा में या तो कोई भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं, या तो फिर घर पे ही इसे लाइट डेजर्ट के तौर पे भी खा सकते हैं। तो श्रीखंड के साथ आपने इसी रेसिपी में ये भी सीख लिया कि घर पर कैसे हंकर बना सकते हैं। अब मैं श्रीखंड के ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ इसे डेकोरेशन के लिए। तो देर मत कीजिए, बना लीजिए घर पे ही राजभोग श्रीखंड अपने पप्पा के लिए। तो
तो अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।